ताफ्तान में जी सर। फिर ताफ्तान गए, फिर ताफ्तान में आप कितने दिन रुके वहाँ पे? ताफ्तान में 10 दिन थे और हम लोग का कैंप नंबर 1 था। हाँ। और बहुत सारे कैंप थे, पाटना हाउस में भी रखा हुआ था, लेकिन हम लोग का ये था कि कैंप नंबर 1 में एक टैंड के अंदर 2 बंदे रखे गए थे, इससे ज़्यादा अलाउ नहीं थे। ठीक है। एक टैंड यहाँ पे तो दूसरा वहाँ। ठीक है। बाकी था फासले के साथ रखा हुआ था। फासले के साथ रखा हुआ था। तो मुझे ये बताएं वहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी क्या क्या थी? फैसिलिटीज़ नहीं थी, खाना वक्त था। हाँ। वाशरूम का तो बहुत ही बुरा हाल था। बुरा हाल था वाशरूम। लेकिन बस ये है कि वहाँ पे टेस्टिंग हमारे से टेम्परेचर की होती थी। हाँ। और कोई टेस्टिंग नहीं होती थी, जैसे यहाँ पर टेस्ट किया जा रहा है माशाल्लाह। हम अपनी सेटिस्फेक्शन भी है, घर वालों की भी जाहिर शायद होगी कि अगर हम सही हैं तो घर वाले भी, फिर हमें जाने में कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है। अच्छा आप बताएं कि वहाँ पे जो बुखार आपका चेक किया जा रहा था, तो क्या आपका बुखार नॉर्मल आ रहा था वहाँ पे? वहाँ पे नॉर्मल था, वहाँ नॉर्मल आ रहा था। 93-94 के बीच में सफर नहीं जाता था। ठीक है। तो आपको वहाँ पे किसी ऐसा शख्स आपको मिला जिसको उन्होंने कहा कि इनको कोरोना पॉजिटिव आ गया? नहीं, तरफ से नहीं था। कोई भी ऐसा शख्स वहाँ पे मौजूद नहीं था हमारे कैंप में? कोई भी ऐसा नहीं था। दूसरे कैंप में नहीं जाते थे। हाँ। नहीं दूसरे टैंड में हमें अलाउ था, ऐसा कोई थिंग नहीं था। अच्छा एक चीज़ मुझे यहाँ बताइएगा, यहाँ पे आप कब से आए हुए? यहाँ से हम लोग कल आते हैं, कल रात शाम में आए। कल शाम में आए। ठीक है। तो कितने देर का सफ़र रहा आपका वहाँ से यहाँ तक? हम लोगों का 25 घंटे का था। 25 घंटे का से यहाँ तक का 25 घंटे। और इस दौरान जो है आपका सफ़र के दौरान कैसा टाइम गुजरा? सफ़र के दौरान पानी नहीं मिला था, पानी नहीं मिला पीने के लिए 25 घंटे का। हाँ। तो कहीं जब सिम में आए तो पुलिस वाले ने हमें दिया पानी नहीं दिया, समय नहीं दिया, ना वाशरूम, खाना भी नहीं दिया। ठीक है। अच्छा तो खाना भी आपको रास्ते में नहीं मिला? नहीं, कहीं तीनों कहीं भी और कहीं बीच में रुके भी नहीं? रुके भी नहीं, वॉशरूम नहीं दिया। तो वॉशरूम किस तरह किया उस दौरान? कुछ नहीं किया भाई, लोग लेडीज बेचारी। जब हम लोग कोटा के बॉर्डर पे पहुंचे तब जाके उन्होंने रोका था 15-20 मिनट के लिए वॉशरूम। ठीक है। सही, आप यहाँ पे पहुंचे तो यहाँ पे आपको कैसी फैसिलिटीज मिल रही है? यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये कि हम लोग की अपनी सेटिस्फेक्शन है कि जिस तरह टेस्टिंग हो रही है, बाकायदा सेपरेट रूम दिया हुआ है, सबको अलग अलग रखा हुआ है, तो हमारे अब लग रहा है कि वाकई में टेस्टिंग हो रही है। सही। अच्छा यहाँ पे जब आप आए हैं तो मैं ये देख रहा हूँ कि सारे एक लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो प्रोटोकॉल ये होता है कि एक बंदा एक कमरे में, जैसे आपने अभी कहा, एक बंदा एक कमरे में रहेगा और एक दूसरे से मिलेगा नहीं, और इस दौरान मास्क भी लगा के रखेंगे। तो मैं ये देख रहा हूँ, तो आप लोग एक दूसरे को बोल नहीं रहे इस बारे में कि आप लोग अलग रहे? ये कि अभी टेस्टिंग चल रही है यहाँ पे ना। हाँ। तो इसके लिए हम लोगों ने, उन्होंने मुझे बोला कि आप सबको नीचे बुलाओ, जो जो रहता है टेस्टिंग करवाओ। ठीक। तभी मैंने बुलाया सबको कि आप लोग आ जाए, कोई भी काम मिल रहा है, कोई मिल नहीं रहा, किसी से कोई इंटरेक्शन नहीं हो रही, कोई बातचीत नहीं हो रही, कुछ भी नहीं। ठीक है। अच्छा तो आप यहाँ मुतमईन हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। चलें ठीक है, इंशाल्लाह। 100% मुतमईन, आप 110% यहाँ मुतमईन हैं, ना कि ताफ्तान है। एक दिन भी हम लोग सेटिस्फेक्शन नहीं थी क्योंकि वहाँ सब मिक्स अप था। ठीक। लेडीज जेंट्स ऊपर नीचे सब ऊपर नीचे थे, तो वहाँ नहीं थी। यहाँ यहाँ पे बहुत अच्छी सेटिस्फेक्शन। ठीक है। हमें पता है यहाँ इंतजाम भी बहुत अच्छे हैं। सही है। अच्छा आपको ये मालूम है कि यहाँ पे आपको जो है ना 14 दिन रखा जाएगा, इस दौरान टेस्टिंग होगी और जरा इंशाल्लाह ताला आपको खाना पीने के कोई मसले मसाइल नहीं होंगे। खाना पीना हमें जैसे भी दें इशू नहीं है, लेकिन अगर इस तरह आप लोग हमें टेक इन केयर कर रहे हैं ना, इस तरह अगर हमारे वहाँ 11-12 दिन होती तो अल्लाह ना करे हम इससे जो अजियत के दिन में हम यहाँ गुजार रहे थे वहाँ पे, वो यहाँ ना हो, बस हम ये कहना चाहें बस। ठीक है जी। तो आप लोग कितनी फैमिली के कितने अफराद यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं? हम लोग जो हमारे कराची के तकरीबन 40 लोग हैं। नहीं आपकी फैमिली से? हमारी फैमिली, मैं और मेरी मदर। आपकी मदर दोनों को एक रूम मिला? नहीं नहीं, हमको अलग 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 है, बिल्कुल अलग। मदर को आपको अलग अलग रखा? हाँ, मदर और मुझे अलग अलग सेपरेट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।